मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, जो मेरा चैनल है स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड, जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशन की हर वीडियोस, हर टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। देखिए, हम स्पेशल एजुकेशन सीरीज कर रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन में तीनों ही शब्दों का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। कभी हम इम्पेयरमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी डिसेबिलिटी और कभी हैंडीकैप। देखिए, इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग नहीं होता, तीनों ही शब्द डिफरेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों शब्दों का मीनिंग, डेफिनेशन और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जांपल के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। मैनी पीपल यूज द टर्म्स इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप इंटरचेंजेबली। दो दीज टर्म्स आर रिलेटेड, दे डू नॉट मीन द सेम थिंग। इन दिस वीडियो वी विल सी द डिफरेंसेज इन दीज टर्म्स। देखिए, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इन तीनों शब्दों को लोग इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, लेकिन ये तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों टर्म एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेयरमेंट शब्द क्या होता है। द टर्म इम्पेयरमेंट रिफर्स टू अ पर्सन्स एक्चुअल एबनॉर्मलिटी और कंडीशन। इम्पेयरमेंट इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द पर्सन्स बॉडी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए WHO ने किस तरह से इम्पेयरमेंट को डिफाइन किया है, एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। देखिए, इम्पेयरमेंट शब्द का अर्थ होता है क्षति या हानि। तो जो इम्पेयरमेंट शब्द है वो व्यक्ति की ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होता है, यानी कि पर्सन्स बॉडी, किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना या कोई क्षति हो जाना या कोई हानि हो जाना। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पेयरमेंट शब्द को डिफाइन करते हुए कहा है कि कोई भी लॉस या एबनॉर्मलिटी, किस तरह का लॉस या एबनॉर्मलिटी, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल। देखिए, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, और फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। तो जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक संरचना में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाना, चाहे वो प्रॉब्लम मतलब फिजिकली है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, डिसेबिलिटी। अ डिसेबिलिटी इज द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन कॉज्ड बाय द इम्पेयरमेंट। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस डिसेबिलिटी एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बींग। देखिए, डिसेबिलिटी का मतलब होता है व्यक्ति को इम्पेयरमेंट के कारण, यानी कि जो भी क्षति या हानि हुई है उसके कारण वो व्यक्ति उस बॉडी पार्ट से कुछ भी काम करने में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज हैंडीकैप। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हैंडीकैप एज अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal. देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैंडीकैप शब्द को डिफाइन करते हुए कहा है कि जिस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर सकता है, समाज में एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, एक हैंडीकैपिंग सिचुएशन से ग्रसित व्यक्ति के लिए एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि समाज में वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता,
क्योंकि डिसेबिलिटी के कारण वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, लिमिटेड हो गया है कुछ भी कार्य करने में, यानी कि कुछ भी कार्य करने में उसके सामने कुछ असमर्थता आ जाती है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जिससे आप लोगों को तीनों ही शब्द जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तीनों का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की फिंगर में कोई घाव हो गया, तो घाव क्या है, वो एक इम्पेयरमेंट है, यानी कि उसको कोई क्षति हुई है ऑर्गन लेवल पे। देखिए इम्पेयरमेंट जो शब्द होता है वो हमारे ऑर्गन लेवल से रिलेटेड होता है, हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए उससे रिलेटेड हो जाता है। तो जो इम्पेयरमेंट है वो एक टेम्परेरी शब्द होता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर वो ध्यान नहीं देता और उसका घाव बढ़ता चला जाता है और सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई उसकी उंगली को कट करना पड़े, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है। उसकी उंगली को अगर काट दिया जाता है तो वो डिसेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कोई भी काम करने में, अपनी फिंगर से रिलेटेड, यानी कि बॉडी के किस हिस्से से, अपनी जो उंगलियों से रिलेटेड जो काम करना वो कर सकता था नॉर्मल पर्सन की तरह, वो नहीं कर पाता। अब हैंडीकैपिंग सिचुएशन उसके सामने क्या आ जाती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल बच्चा जो भी लिखने का पढ़ या कोई भी चीज़ पकड़ना है वो काम वो आज ईजिली कर सकता है, लेकिन एक हैंडीकैपिंग सिचुएशन से जो ग्रसित बच्चा है उसको लिखने में किसी चीज़ को पकड़ने में प्रॉब्लम आती है, तो ये आ जाती है हैंडीकैपिंग सिचुएशन। तो हैंडीकैप कोई व्यक्ति नहीं होता, हैंडीकैपिंग सिचुएशंस होती हैं। तो दोस्तों अगर हम इन तीनों ही शब्दों की डेफिनेशंस को अनपैक करते हैं या खोलकर देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इम्पेयरमेंट जो शब्द है वो हमारे ऑर्गन लेवल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है, व्यक्ति को शारीरिक रूप पर कोई क्षति या हानि हो जाना, चाहे वो क्षति या हानि मेलफॉर्मेशन या मेल फंक्शनिंग के कारण हुई हो। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है इम्पेयरमेंट के कारण उसको जो भी क्षति या हानि हुई है उसके कारण वो डिसेबल हो गया है, उसके सामने फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाती है, यानी कि उस बॉडी पार्ट से कोई भी काम करने में वो लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसके बाद जो शब्द आता है हमारे पास आता है हैंडीकैप शब्द। देखिए हैंडीकैप मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई पर्सन या व्यक्ति हैंडीकैप नहीं होता, हैंडीकैप वैसे तो एक सोशली इम्पोज्ड वर्ड है, तो हैंडीकैपिंग सिचुएशंस होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के सामने हैंडीकैपिंग सिचुएशंस आती हैं तो उस समाज में एक नॉर्मल लाइफ जीने में थोड़ा सा उसको डिसएडवांटेज हो जाता है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ को नहीं जी पाता। लेकिन समाज में अगर उसको कुछ असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह प्रोवाइड किए जाएं तो वो अपनी हैंडीकैपिंग सिचुएशन पर काबू पा सकता है और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ जी सकता है। तो इन सभी डेफिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पेयरमेंट शब्द है वो बायोलॉजिकल होता है, ऑर्गन लेवल से रिलेटेड होता है, यानी कि व्यक्ति की बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, व्यक्ति की शरीर में कुछ लॉस या कोई हानि हो जाना। दूसरा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट के कारण होती है, यानी कि व्यक्ति को जो भी ऑर्गन लेवल पर क्षति या हानि हुई है उसके कारण वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, उसके सामने लिमिटेशंस आ जाती हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कोई भी कार्य करने में। हैंडीकैप शब्द है एक सोशली इम्पोज्ड वर्ड है, इसमें व्यक्ति के सामने एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि समाज में जो दूसरे नॉर्मल बच्चे अपनी लाइफ जी सकते हैं, जिस तरह से खेल सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, उस तरह से एक हैंडीकैपिंग सिचुएशन से ग्रसित व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से उन इच्छाओं को पूरा करने में या फुलफिलमेंट करने में थोड़ा सा असमर्थ होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यक्ति के सामने जो भी हैंडीकैपिंग सिचुएशंस हैं तो उनको वो नॉन हैंडीकैपिंग सिचुएशंस में भी कन्वर्ट कर सकता है अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है। तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति अगर इम्पेयरमेंट से ग्रसित है, डिसेबिलिटी से ग्रसित है, वो हैंडीकैप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति इम्पेयरमेंट से ग्रसित हो सकता है, डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हैंडीकैप हो। हैंडीकैप मैंने कहा कोई व्यक्ति या पर्सन नहीं होता, सिचुएशंस व्यक्ति को हैंडीकैप बनाती हैं। तो दोस्तों इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप शब्द का डिफरेंस बताने के लिए यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति इम्पेयरमेंट से ग्रसित हो सकता है, डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हैंडीकैप हो। देखिए हैंडीकैप और नॉन हैंडीकैपिंग सिचुएशंस होती हैं, व्यक्ति हैंडीकैप नहीं होता।
तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो अरुणिमा सिन्हा जी का है, जो कि फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह हासिल की है। देखिए, अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल की प्लेयर है। एक बार चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उनको धक्का दे दिया और उनको जो है काफ़ी फ्रैक्चर हुआ, वो ट्रैक पर गिर गई। तो ये क्या था, उनके लिए इम्पेयरमेंट से वो ग्रसित हो गई थी। अगर टाइम से उनको उठा लिया जाता तो वो उनको डिसेबिलिटी किसी प्रकार की नहीं होती, लेकिन वो पूरी रात ट्रैक पर रही। उनका रात को ट्रेन आई और उनका एक पैर कट गया और दूसरे पैर में बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। तो उनका एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में उनके में रॉड लगी हुई है। तो यहाँ पर वो डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गई है। इनका भाव है कि भाई इम्पेयरमेंट टेम्परेरी होता है, डिसेबिलिटी परमानेंट होती है। तो उसके बाद वो डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनका एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में रॉड लगी हुई है, फिर भी उन्होंने हैंडीकैपिंग सिचुएशन को महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो करना चाहती हैं, कि वो दुनिया को बता देना चाहती हैं कि वो क्या हैं। इस सिचुएशन में होते हुए भी जब उनका आर्टिफिशियल पैर एक लगा हुआ है और दूसरे पैर में रॉड है, तो व्यक्ति एक हैंडीकैपिंग सिचुएशन महसूस करता है कि भाई नॉर्मल लोगों की तरह वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाता। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया कि जो एक नॉर्मल इंसान भी सोच नहीं पाता इस डिसेबल होते हुए भी। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की और वहाँ पर उन्होंने अपने देश का तिरंगा झंडा भी फहराया जाकर, यानी कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की एम्प्यूटी होते हुए भी। हम कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति इम्पेयरमेंट से ग्रसित हो सकता है, डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हैंडीकैप हो, क्योंकि हैंडीकैपिंग और नॉन हैंडीकैपिंग सिचुएशंस होती हैं जो व्यक्ति को बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।